वंदे भारत ट्रेन पर एक बार फिर से पथराव किया गया। बदमाशों ने बिहार के बारसो इलाके में ट्रेन पर पथराव किया। दरअसल ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा की तरफ जा रही थी। पथराव की वजह से ट्रेन का कांच चटक गया। बीते एक हफ्ते में तीसरा मौका है जब वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। बीती 2 जनवरी को मालदा में और 3 जनवरी को फांसी देवा के पास पथराव किया गया था। हरियाणा के रेवाड़ी से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कई बदमाशों ने एक पपीता व्यापारी और उसके साथियों की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ बदमाश उन लोगों पर लाठियों से हमला करते हुए नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक दुकान में काम करते हुए दिखाई दिए। तभी कई बदमाश लाठी और डंडों के साथ गोदाम में घुस आए और एक आदमी को बेरहमी से पीटने लगे। तभी वहां मौजूद उसके साथी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन बदमाशों ने उस पर भी हमला कर दिया और ताबड़तोड़ डंडे चलाने लगे। हालांकि वो आदमी पिटाई कर रहे लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उन बदमाशों ने एक नहीं सुनी और ताबड़तोड़ डंडों की बरसात करते रहे। बदमाश यहां भी नहीं रुके, उन्होंने एक गोदाम में जमकर तोड़फोड़ की और वहां से फरार हो गए। इस घटना में एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया जबकि 2 लोगों को मामूली चोटें आई। डंडे थे और हथियार दो आदमी के पास था। क्या थे हथियार? पिस्टल थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां 3 का इलाज चल रहा है। शिकायत अभी मिली नहीं है, मोकोमा ने करने आए, इसमें जो भी शिकायत आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आलू से भरे एक ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कार में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि वक्त रहते कार में मौजूद लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। कार में टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया और उसकी तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के झांसी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि झगड़ा मामूली विवाद को लेकर हुआ, जिसमें उन बदमाशों ने उस बुजुर्ग की पिटाई कर दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग एक बुजुर्ग से बहस करते हुए दिखाई दिए। इसी बीच उनमें से एक आदमी ने उन्हें पकड़ लिया और डंडे चलाने लगा। इस दौरान एक लड़का पिटाई कर रहे लोगों की वीडियो बनाता दिखा, जिसे एक आदमी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पिटाई कर रहे लोगों की वीडियो बनाता रहा। इसी बीच कुछ लोग वहां पहुंच गए और उन बुजुर्ग को छोड़ देने की अपील करने लगे, लेकिन उन बदमाशों ने उन्हें छोड़ने की बजाय उनके परिवार को धमकाने लगे। हालांकि किसी तरह से वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जाँच में जुट गयी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां एक साइको किलर बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बना रहा है। दावा है कि साइको किलर अब तक 3 महिलाओं को मौत के घाट उतार चुका है, लेकिन शातिर साइको किलर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा।